केरल में हुए बम ब्लास्ट से एक बार फिर मोदी के सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं और ये भी सामने आ रहा है कि कहीं आतंकी के निशाने पर मोदी तो नहीं है। केरल में हुए बम ब्लास्ट मामले की जांच के दौरान पुलिस को बरामद हुई पेनड्राइव में पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं की फोटो मिली है। पुलिस इसे आतंकियों की बड़ी साजिश मानते हुए आशंका जता रही है कि हो सकता है कि पीएम समेत ये नेता आतंकियों के निशाने पर हों। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लगभग 360 किलोमीटर दूर मल्लपुरम में कलेक्टर दफ्तर में खड़ी एक कार में जोरदार धमाका हुआ। धमाके की जांच में पुलिस ने मौके से कई चीजें बरामद की। जांच में फन पाउडर, बैटरी वायर, पेपर बॉक्स के साथ ही एक पेनड्राइव भी पुलिस के हाथ लगी। पेनड्राइव में पुलिस को पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई अन्य नेताओं की तस्वीरें मिली हैं। तस्वीरों को देखते हुए पुलिस ने आशंका जताई है कि पीएम समेत ये नेता आतंकियों के निशाने पर हो सकते हैं। शुरुआती जांच में इस धमाके के पीछे बेस मूवमेंट नाम के संगठन का हाथ बताया जा रहा है जो अलकायदा से प्रभावित है। त्रिशूर रेंज के आईजी अजीत कुमार ने बताया कि विस्फोटक प्रेशर कुकर में रखा गया था। पुलिस ने इसे अपने कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। कथित आतंकी संगठन फिर से हमला कर सकता है, इसलिए पुलिस को पूरी तरह मुस्तैद रहना होगा। धमाके के बाद एनआईए की एक टीम ने भी मौके का मुआयना किया और पुलिस अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी ली। गौरतलब है कि धमाका इतना जोरदार था कि कार जमीन से कुछ फुट ऊपर उठ गई थी। शुरुआती जांच में पुलिस को लगा कि कार के अंदर लगा एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। दरअसल धमाका काफी तेज था, ऐसे में डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्तों को भी मौके पर बुलाया गया। इस टीम में 4 डिप्टी एसपी, 2 नारकोटिक्स सेल के अधिकारी और 2 डॉक्टर्स शामिल हैं। गौरतलब है कि इसी साल जून में इस तरह का एक धमाका कोल्लम में भी हुआ था।